दोस्तों मैं हूं जीतू और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतू रेवोल्यूशनरी तो एक बार फिर हमारी विजिट है कप्तान सर के फार्म पर तो इनकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा जरूर करना चाहूंगा पशुपालकों के सामने जो एक चुनौती थी जो हमेशा मुंह बाए खड़ी रहती थी कि हरे चारे की उपलब्धता न होने के कारण उनका जो फीड कोष था जो इनपुट कोष था पशुपालकों को पशुधन तैयार करने में वो काफी होता था इन्होंने सुपर नेपियर एक परमानेंट सॉल्यूशन अगर मैं कहूँ हरे चारे की तो वो पूरे भारत के किसानों को पशुपालकों को जो उपलब्ध करा करके एक हरे चारे में जो इन्होंने क्रांति पूरे भारत वर्ष में लेकर के आए उनके लिए काफी काफी प्रशंसा के पात्र हैं तो सर नमस्कार नमस्कार तो ये देख सकते तो हैं कप्तान सर दर्शकों को मेरी तरफ से नंबरदार ऑर्गेनिक फार्म की तरफ से राम राम थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच राम राम हमारे तो, फार्म पर पहुंचने से मोस्ट वेलकम थैंक यू वेरी मच तो आज के वीडियो में क्या कुछ स्पेशल है बताएं आज की वीडियो हम ब्लैक गेहूं के ऊपर कवर करेंगे तो भारत के काफी बड़े भूभाग में अभी गेहूं की फसल उगाई जाती है और किसानों के माध्यम से अभी वो जो जमीन है वो तैयार हो चुकी है तो काले गेहूं को अगर प्रकृतिशील जो किसान हैं वो आजमाना चाहें तो उनके लिए इस वीडियो को कवर किया जा रहा है इसके बारे में काले काले गेहूं के बारे में क्या कुछ जानकारी उनको चाहिए किस किस तरह का बीज है कहां से इसकी उत्पत्ति हुई इसमें और जो अपना साधारण जो गेहूं है उसमें क्या कुछ भिन्नता है इसके लिए आइए मैं लेकर के चलता हूँ आपको कप्तान लंबड़दार सर के पास जिन्होंने पिछले साल अपने खेतों में इस काले गेहूँ को उगाया था पूरे साल रोटियाँ बना करके उन्होंने इसका सेवन किया है और अभी भारी मात्रा में एक बार इस काले गेहूं के बीज को सीजन से पहले बरसाते हुए ट्रैक्टर के पीछे ये जो बड़ा पंखा है इसके माध्यम से धूल मिट्टी और जो ग्रेडिंग का कार्य है वो यहाँ पर करते हुए साफ देख सकते हैं तो आइए मैं लेकर के चलता हूँ कप्तान लंबड़दार सर के पास जो कि आगे की जानकारी इस काले गेहूँ के बारे में देंगे जीतू जी भाई आज हम हमारे पास में कुछ ऑर्गेनिक हैं कुछ बगैर ऑर्गेनिक भी हैं लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा जो ऑर्गेनिक है ऑर्गेनिक कह के दे, देते हम बगैर ऑर्गेनिक है जो पेस्टिसाइड है वाला है तो उसको बोल के देते हैं भाई इसके अंदर इतनी मात्रा में पेस्टिसाइड डलिया क्योंकि ऑर्गेनिक करने के लिए खेती और मैं तीन से चार साल उसके अंदर कोई पेस्टिसाइड न डालें तब होती है ये ब्लैक गेहूँ है हमारे पास में ब्लैक गेहूँ भी दो प्रकार का है आप देख पा रहे हैं ये लाइट कलर में है ये डार्क कलर में है और ये बंसी है ये देसी है तीन सौ हमारा एक के ये गेहूँ है बिल्कुल गोल दाना है आप एक बार मैं इसके ऊपर भी फोकस करना चाहूँगा ये बहुत ही बढ़िया गेहूँ है और हमारे कई काम आता है उसके बारे में मैं बताऊँगा ये मूंग है बाजरा है मेथी है सरों है लेकिन ये सभी ऑर्गेनिक तैयार किए हो सरसों तो मैं आपने पहले ब्लैक गेहूँ के ऊपर ही मैं आपको बता देता हूँ आप चलिए एक बार आज ये सभी ब्लैक गेहूं हम पैक कर करके बाहर भेजते हैं ऑल इंडिया कहीं भी हो तो भाई ये ब्लैक गेहूं है ये इसकी उत्पत्ति मोहाली यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार किया हुआ है और इसके अंदर जिस त्रियाँ ये जिस त्रियाँ अपनी जो गेहूं गेहूँ है ये मोहाली यूनिवर्सिटी ने ब्लैक गेहूँ जापान से मंगा के अपनी गेहूँ के साथ ब्रीडिंग करके तैयार किया हुआ है इसके अंदर कोई जेनेटिक्स के साथ छेड़छाड़ छेड़छाड़ नहीं की हुई है आप इसको जैसे वो वो बात नहीं है इसके अंदर जैसे बीटी कॉटन के अंदर होती है ये नेचुरल है इसके अंदर है जो एक ब्रीडिंग करके ही एक ब्लैक गेहूँ तैयार किया हुआ है और ये खाने में इसके अंदर जैसे एंटी होता है और अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है और जितू भाई इसके अंदर एंथोसाइज जो अपनी साधारण गेहूँ होती है उसके मुकाबले दस गुना होता है और जिसके अंदर चटकीला कलर होता है चटकीला कलर होता है तो अपनी वो कोई भी एंटीऑक्सीडेंट होता है जैसे अपना एक अरे रंग का बेर ले लिया अपने एक जो झाड़ी के छोटा बेर होता नहीं उसके अंदर चटकी ला लाल रंग होता है उसके अंदर यो एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है अपने शरीर की जो फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल उसको बाहर निकालता है और सफाई करता है तो उसी प्रकार इसके अंदर भी है और ऑक्सीडेंट्स हाँ जी को आ, एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें ज्यादा पाए जाते हैं बिल्कुल साइनिन करके जो इसमें एक पदार्थ है हाँ। वही इसको काला रंग बना, बनाता है बिल्कुल जो काला रंग है वो चटकीला काला रंग जो आता है वो उसी पदार्थ की। पदार्थ से आता के है, इसमें एक और है जिस तरिया अपनी एज है अगर हम इसका सेवन करें तो हमारी एज का भी कम जैसे झुरियाँ होनी है, होती हैं एंटी एजिंग जो ले खासकर लेडीज इसके इसको ज़्यादा यूज करते हैं उसमें एज भी कम नज़र आती है जैसे हमारे काले घेरे रिंकल वो होती हैं उसमें और इसकी जो गुणवत्ता है उसके विषय पे मैं बताता हूँ इसमें जिंक है आयरन है अपनी जो साधारण गेहूँ की तुलना में ज़्यादा है और ये काफ़ी बीमारियों में भी काम आता है जैसे ब्लड है ब्लड प्रेशर है शुगर है डायबिटीज़ है कैंसर है उन मरीज़ों को भी अगर हम ये खाएंगे तो उसमें काफ़ी आराम मिलता है क्योंकि इससे एनर्जी मिलती है एनर्जी मिलेगी तो उसका सिस्टम बढ़िया रहेगा डाइजेस्ट सिस्टम बढ़िया होगा तो उस प्रकार भी उसमें काफ़ी लाभदायक है हमारे लिए तो गेहूं के बारे में जो ये उपयोगिता आपने बताई इसके गुण दोष जो बताए कि किसी भी तरह की इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है जींस के साथ फेरबदल नहीं है जो कुछ किया गया है वो इसके ब्रीडिंग करवा करके और फिर इस नस्ल को तैयार किया गया है इस चीज़ को आप इस तरह से समझें कि कोई आ, अगर साहिवाल गाय के साथ थार को अगर ब्रीडिंग करवा करके कोई नई नस्ल बना लेता है तो वो कहीं ना कहीं हमारी मूल नस्ल ही होती है बिल्कुल बिल्कुल तो मुझे उपयोगिता बताएं कि एक आ, किसान एक जो साधारण किसान है उसके लिए क्या कुछ उपयोगिता है इसके लिए जीतू भाई क्यों अपनाए हां बिल्कुल उसके लिए मैं बता बताना चाहूंगा जीतू भाई इसका जो प्रोडक्शन है सेम जो अपनी गेहूं होती है उसके बराबर का ही होता है इसका फुटाव भी बहुत ज्यादा है और टीलर भी ज्यादा निकलते हैं और इसका प्रोडक्शन सेम ही रहता है बस थोड़ा बहुत क्विंटल आध क्विंटल कई बार ऊपर नीचे हो जाता है ज़्यादा कोई फर्क नहीं रहा हमने काफ़ी एकड़ में लगाया है और उसके अलग अलग पार्टों में लगा के अलग अलग रिजल्ट भी देखे हैं और इसका किसान को फायदा ये है कि इसका रेट उन से बहुत ज़्यादा है और देखो रेट ऊपर नीचे हो भी जाता है लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा जीतू भाई ये मार्केट के अंदर नहीं गया है अभी न्यू है और जिस तरियाँ मंडी के अंदर तो नहीं गया है लेकिन हम सेल करते हैं हमारे फार्म से ही हो जाता है जो भी भाई बिजाई कर करेगा उसके आसपास डॉक्टर हैं टीचर हैं जिसका लेवल बढ़िया है शिक्षित वर्ग। वो शिक्षित वर्ग है वो आराम से ले लेते हैं इसको उनको पता है जो सेहत के प्रति जागरूक हैं आजकल वो सभी इस्तरियाँ की चीज़ें अपने आप चाहे सौ किलोमीटर दूर से भी ढूंढ के लेना पड़ो वो को, अफोर्ड भी करते हैं पैसे और चीज़ भी बढ़िया लेते हैं क्योंकि उनको पता लग गया पेस्टिसाइड खा खा के और अपना शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो गया है इसलिए मैं तो यही बोलूँगा कि सभी फार्म और एक और इसका मैं बोलूँगा एक तो रेट के ऊपर आ गई बात प्रोडक्शन सेम हो गया एक फार्मर को इसमें कोई अलग से नहीं कुछ करना होता जैसे अपनी साधन गेहूँ है उतना ही बीज डाल दो उतना, उसी प्रकार पानी दो उसी प्रकार सारा कुछ काम करो उसी प्रकार कटाई करनी है एक्स्ट्रा कुछ नहीं है इसके अंदर तो तकरीबन एक एकड़ में कितना लग जाता है देखो वो बात होती है भाई भाई जी बिजाई के ऊपर हम <laughs> बिजाई कौन सी विधि से करते हैं जैसे छरटा विधि से बिजाई करेंगे तो हम पचास के पर एकड़ डालेंगे अगर मशीन से बिजाई करवाते हैं तो चालीस के जी पर एकड़ डालेंगे अगर हाथ से बिजाई करें तो और भी वो कम मात्रा में हो जाता है अलग अलग हिसाब होता है बिजाई करने का भाई जी तो तकरीबन तकरीबन फिर भी औसत कितना नहीं मैं लगभग चालीस से पचास के जी चालीस की हाँ जो चालीस के जी हम मशीन से ट्रैक्टर से बिजाई करवाते हैं नहीं तो चालीस के जी ही डालते हैं उसमें तो मैं जानना चाहूँगा कि रेट के हिसाब से किसान को क्या रेट मिल सकता है एक अंदाजे के तौर पर वो भी बताएं आमदनी किसान हाँ जीतू भाई हम हाँ, साठ रुपये के जी देते हैं और आप भी देख पा रहे हैं एक उसी दौरान सेल किया जब हमने गेहूँ निकाला एक के छः महीने बाद इसकी केयर भी करनी है इसका मेंटेनेंस भी रखना है इसको सुखाना भी है भाई इसके अंदर कीड़ा ना लग जाए इसको नमी न ओके ये बढ़िया हो इसको हाँ, आपने तमाम सावधानियाँ ली हैं वो हाँ। आपको को देखकर भी समझ में आ रहा है कोई भी और वही काम है, है? जैसे देसी गाय का दूध है हमारे यहाँ लोकल जो रूरल एरिया है वहाँ पचास से साठ रुपए के मिल जाता है और महानगर है जैसे दिल्ली है चंडीगढ़ है बड़े शहर हैं वहाँ पर सौ डेढ़ सौ रुपये लीटर भी ढूंढने से नहीं मिलता प्योर प्योर की बात है बढ़िया देसी गाय की और वही ये इसी की बात है अगर यहाँ पर तो हमारे आम गेहूँ से तो डबल रेट यहाँ भी मिल जाएगा और लेकिन जैसे बड़े शहर हैं वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा कोस्ट मिलती है मैं एक जो हमारी जो सोना मोती गेहूँ है उसके ऊपर बात रह गई थी मैं आपको उसके बारे में और जानकारी देना चाहूँगा एक सेकेंड जीतू भाई ये सोना मोती गेहूं है बिल्कुल छोटा दाना है आप देख पा रहे होंगे जूम करने से भी पता लग जाएगा इसके अंदर जिस तरह कई आदमियों को लीवर में कमी हो जाती है उसको ऐसी ये गेहूं हमारी जो दूसरी गेहूं है वो सूट नहीं करती एलर्जी गेहूं एलर्जी करती हैं तो वो आदमी ये गेहूं खा सकता है जिसको ये एलर्जी करेगी जो अपनी सिंपल साधारण गेहूं है उसको डॉक्टर बोलते हैं तामर आपने गेहूं नहीं खानी तो उसकी अवेज़ में वो मक्का है बाजरा है जौ है जिस तरह जवार है उनकी रोटी खाता है लेकिन ये गेहूं ऐसी है कि किसी को भी एलर्जी दूसरी गेहूँ एलर्जी करती हैं तो ये गेहूँ वो खा सकता है और इसके अंदर न्यूट्रिएंट भी बहुत बढ़िया है मैं एक, हाँ, एक और मैं बोलना चाहूंगा जीतू भाई सभी मेरे सारे भारतवासियों से या फोरन के भी कॉल आते हैं और भी आते हैं मैं सभी को ये बोलना चाहूंगा कई बार इस हमारे नंबर दूसरे भी हैं लेकिन इसके विषय में देखो मैं भी फार्मर हूँ अलग अलग कई बार हो जाता है मैं सभी को बोलूँ कॉल अटेंड नहीं भी कर पाऊँ तो आप व्हाट्सएप पर फोन करिएगा वो व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़िएगा आपको रेट लिस्ट का भी मैसेज आ जाएगा और जो भी आप WhatsApp करोगे उसकी रिप्लाई भी देंगे इसमें हमारा जो नंबर है ये कितने केजी में दस केजी में ये दस केजी ठीक है ये दस केजी में ये छोटा पैकेट है और निकालो एक किलो भर के निकालो हाँ डालो हाँ बहुत बढ़िया ठीक है दस के जी दो सौ तीस ठीक है मारो इसके तुरपाई मारो मारो इसकी तुरपाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया